पहले रात को 11 बजे हुआ है। ये मेन रोड पे नहीं, ये टनल जो बननी स्टार्ट हुई वहाँ पर लेबर काम कर रही थी, वहाँ पर रात को 11 बजे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ पर इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पुलिस और SDRF की टीम ने जिसमें 3 लोगों को उसी टाइम इवैक्यूएट किया गया जो भी सेफ है। उसके अलावा जो 10 लोग अभी की सूचना मिली है जो कंपनी से वहाँ से लिया गया अभी तक अंदर है, उसके लिए पूरी रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे इवैक्यूएशन किया जा रहा है। इसके बजाय NDRF को भी कॉल दिया गया, वो NDRF भी यहीं पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि इमीडिएटली रेस्क्यू किया। 12 लोगों की अभी तक हमें सूचना 12 घंटे से देखे यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी पहाड़ी ऊपर से नीचे आई है, तो बोल्डर्स को नीचे करने के लिए उसको पहले तोड़ना पड़ता है। काम करने का स्पेस जो यहाँ पर मशीनरी के जो जाने का स्पेस कम है उस वजह से है। हमने पूरी मशीनरी मोबिलाइज कर रखी है, रात को 11 बजे से पूरा यहाँ पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जल्दी ही उसका अभी कुछ नहीं कर सकते, स्टार्ट हुई वहाँ पर लेबर काम कर रही थी, वहाँ पर रात को 11 बजे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ पर इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पुलिस और SDRF की टीम ने 3 लोगों को उसी टाइम इवैक्यूएट किया गया। इसके अलावा जो 10 लोग अभी वहाँ से लिया गया अभी तक अंदर है, उसके लिए पूरी रेस्क्यू किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पर इवैक्यूएशन किया जा रहा है। इसके बजाय NDRF को भी कॉल दिया गया, वो NDRF भी यहीं पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि इमीडिएटली रेस्क्यू किया। 12 लोगों की अभी तक हमें सूचना 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी पहाड़ी ऊपर से नीचे आई है, तो बोल्डर्स को नीचे करने के लिए उसको पहले तोड़ना पड़ता है। काम करने का स्पेस जो यहाँ पर मशीनरी के लिए जाने का स्पेस कम है उस वजह से है। हमने पूरी मशीनरी मोबिलाइज कर रखी है, रात को 11 बजे से पूरा यहाँ पर अब प्रेफरेंस डबल सबसे भी।